संत लुका दी अंजील उसका 6 बाप। एक सबत दे दिन यीशु अनाज दे खेतां विच्चों दी लंघ रहा सी अते उस दे चेले दानियां दे सिट्टे तोड़ के उन्हां नू अपने हत्थां विच मल के खा रहे सन। पर कुछ फरीसियां ने कहा, तुसी ए क्यों कर रहे हो जो सबत दे दिन करना मना है। यीशु ने उत्तर दिता कि तुसी ए नहीं पढ़िया कि जदो दाऊद अते उसदे साथियों नू भुख लगी तो उसने की किया, किस तरह वो खुदा दे घर विच दाखल होया अते हजूरी दे चढ़ावे दियां रोटियां लै के खादियां अते अपने साथियों नू भी दित्तियां, जो काहिना नू छड़ के होर किसे नू भी खाना मना है। फिर उसने उन्हां नू कहा, मनुख दा पुत्र सबत दा प्रभु है। एक होर सबत दे दिन जदो सिनागोग विच दाखल होया अते सिख्या देन लगा ता उत्थे एक आदमी सी जिसका सज्जा हाथ सुक्का होया सी। धर्म ग्रंथियां अते फरीसियां ने यीशु ते नज़र रखी हुई सी। वो इस ताक विच सन कि सबत दे दिन वो चंगा करता है जा नहीं, ता जो वो उसके खिलाफ कोई दोष लभ सकन। पर यीशु उन्हां दे विचारां नू जानदा सी अते उसने उस सुक्के हुए हाथ वाले नू कहा, आ अते इत्थे खड़ा हो जा। और उठ के उत्थे खड़ा हो गया। फिर यीशु ने उन्हां नू कहा, मैं तुहानू पुछदा हाँ, सबत दे दिन भलाई करना जायज है जां बुराई करना, जान बचाउना जां जान गवाउना। फिर उसने उन्हां सारयां वल वेख्या अते उस आदमी नू कहा, अपना हाथ अग्गे वधा। उसने उही कीता अते उसदा हाथ चंगा हो गया। पर उह सारे गुस्से नाल भर गए अते आपो विच ए विचारन लगे कि उह यीशु दे नाल की करन। उन्नी दिनी उह पहाड़ां विच प्रार्थना करन लई चला गया अते सारी रात खुदा दे अगे प्रार्थना करदा रहा। जदों दिन निकलिया तां उसने अपने चेलियां नू बुलाया अते उन्हां विचों 12 नू चुन लिया, जिसदा नाम उसने रसूल रख्या, शिमोन जिसदा नाम उसने पतरस रख्या, अते उसदा भरा अंद्रियास, याकूब अते यहूना, फिलिप अते बर्थलोमी, मती अते थोमा, हलफई दा पुत्र याकूब अते शिमोन जिसनों उद्मी आख्या जांदा सी, अते याकूब दा पुत्र यहूदा अते यहूदा इस्करियोतिस जो विश्वास काती निकलिया। यीशु उन्हां दे नाल पहाड़ तो उतर के एक पदरी थां उत्ते खड़ा हो गया, जिथे उसदे चेलियां दी एक वड्डी भीड़ अते लोकां दा वड्डा हजूम सी, जेड़े सारे यहूदिया यरूशलम अते समुंदर दे किनारे दे तीरुस अते सिदोन दे इलाके तो आए सन। अते ओ यीशु नूं सुनन लई अते अपनियां बीमारियां तो चंगे होण लई आए सन। जो अशुद्ध आत्मावां नाल दुखी सन ओ चंगे कर दित्ते गए। सारी भीड़ उस नूं छूना चाहुंदी सी क्योंकि उस विच्चों शक्ति निकलदी सी अते सारयां नूं चंगा करदी सी। उसने अपनियां अखां उतार चुक के चेलियां वल वेख्या अते कहा, तन हो तुसी जिहड़ी गरीब हो क्योंकि खुदा दा राज तुहाडा है। तन हो तुसी जिहड़े हुण भुखे हो क्योंकि तुसी रजाए जाओगे। तन हो तुसी जिहड़े हुण रोंदे हो क्योंकि तुसी हसोगे। तन हो तुसी जदों मनुख दे पुत्र दी खातर लोग तुहानूं नफरत करन अते तुहानूं बाहर कढ़न, तुहाडी बेइज्जती करन अते तुहाडे नाम नूं बुरा समझ के छेक देन। उस दिन आनंदित होवो अते खुशी नाल नचो क्योंकि वेखो स्वर्ग विच तुहाडा इनाम वड्डा है, क्योंकि उन्हां दे पुरखियां ने नबियां नाल इंज ही कीता सी। प्रतिकार थोनू जिहड़े अमीर हो
क्योंकि तुसी अपने सुख शांति पा चुके हो ते कार थोनू जेड़े हुन रज्जे होए हो क्योंकि तुसी भुखे होवोगे ते कार थोनू जेड़े हुन हसदे हो क्योंकि तुसी सोग करोगे अते रोवोगे ते कार थोनू जदो सारे लोग तुहाडी शलांघा करदे हन क्योंकि उन्हां दे पुरख्यां ने झूठे नबियां नाल इसे तरह कीता सी। पर मैं तुहानू जो सुनदे हो कहिंदा हाँ अपने दुश्मनां नू प्यार करो जो तुहानू नफरत करदे हन उन्हां दी भलाई करो जो तुहानू शराब दिंदे हन उन्हां नू बरकत दिओ अते जो तुहानू बुरा भला आखदे हन उन्हां लई प्रार्थना करो जो तुहाडी गल उत्ते चपेड़ मारदा है दूजी भी उस वल फेर दिओ अते जेकर कोई तुहाडा चोला लैंदा है उसनू अपना कुर्ता देन तो भी इनकार ना करो हर कोई जो तुहाथों मंगदा है उसनू देओ अते जो तुहाडियां चीज़ां चुक लैंदा है उस कोलों वापिस ना मंगो जिस तरह तुसी चाहुंदे हो कि लोग तुहाडे नाल करन उसे तरह तुसी भी उन्हां नाल करो जेकर तुसी उन्हां नू ही प्यार करदे हो जो तुहानू प्यार करदे हन तां इस विच तुहाडा की एहसान है क्योंकि पापी भी अपने प्यार करन वालियां नू प्यार करदे हन जेकर तुसी उन्हां दी भलाई करदे हो जो तुहाडी भलाई करदे हन तां इस विच तुहाडा की एहसान है क्योंकि पापी भी इसे तरह करदे हन जेकर तुसी उन्हां नू उधार दिंदे हो जिन्हां कोलों तुसी वापिस मिलन दी उम्मीद रखदे हो तां इस विच तुहाडा की एहसान है पापी भी पूरा पूरा वापिस लैन लई पापियां नू उधार दिंदे हन पर तुसी अपने दुश्मनां नू प्यार करो अते कुछ ना वापिस लैन दी उम्मीद नाल भलाई करो अते उधार दिओ फिर तुहाडा इनाम महान होवेगा अते तुसी सर्व उच्च खुदा दे बच्चे ठहरोगे क्योंकि ओ ना शुकरे अते स्वार्थी लोकां उत्ते दया करदा है। दयालु बनो जिस तरह तुहाडा पिता दयालु है। दूजियां उत्ते दोष ना लाओ अते तुहाडे उत्ते दोष नहीं लाया जावेगा। अपराधी ना ठहराओ अते तुहानू भी अपराधी नहीं ठहराया जावेगा। माफ़ करो अते तुहानू माफ़ कीता जावेगा। दिओ अते तुहानू दिता जावेगा। चंगे माप विच दबा दबा के हिला हिला के उत्तों दी डुलदा होया तुहाडी चोली विच पाया जावेगा क्योंकि जिस माप नाल तुसी दिंदे हो उसे माप नाल तुहानू भी दिता जावेगा। उसने उन्हां नू एक तमसील भी सुनाई कि एक अन्ना दूजे अन्ने नू राह विखा सकदा है कि वह दोवें टोए विच नहीं डिग पैणगे। चेला अपने गुरु नालों वड्डा नहीं हुंदा पर हर कोई जो पूरी तरह सिख्या पा लैंदा है वह अपने गुरु वांग होवेगा। तुसी क्यों अपने पराधी अख विच किनका वेखदे हो पर अपनी ही अख विच सतीर वल ध्यान नहीं दिंदे। जां फिर तुसी अपने भरा नू किस तरह कह सकदे हो भरा मैनू तेरी अख विच किनका कढ लैन दे जदकि तुसी आप अपनी अख विच शतीर नू नहीं वेखदे हो। हे पाखंडी पहला तू अपनी ही अख विचों शतीर कढ अते फिर तू अपने भरा दी अख विचों किनका कढ़न लई साफ वेख सकेगा। कोई भी चंगा रुख बुरा फल नहीं पैदा करदा ना ही कोई बुरा रुख चंगा फल पैदा करदा है क्योंकि हर रुख अपने फल तो पछाणिया जांदा है। कंडियालियां तो अंजीर नहीं तोड़े जांदे अते ना ही कंडियाली झाड़ियां तो अंगूर। चंगा आदमी अपने दिल दे चंगे खजाने विच्चों चंगियां चीज़ां पैदा करता है अते बुरा आदमी अपने बुरे खजाने विच्चों बुराई पैदा करता है क्योंकि
जो दिल विच परया होया है मूँह ओही बोलदा है। तुसी मैनू प्रभु प्रभु कह के क्यों सद्दे हो, पर ओ नहीं करदे जो मैं तुहानू कहिंदा हाँ। हर कोई जो मेरे कोल आउंदा है, मेरे वचन नू सुनदा है अते उन्हां दी पालना करदा है, मैं तुहानू सच दसदा हाँ कि ओ किस तरह दा है। ओ उस मनुख वांगू है जो घर बनाउंदे समय डूंगा पुटदा है अते पत्थर उत्ते नी रखदा है। जदों हड़ आया अते जोरदार पानी उस घर नाल टकराया तां ओ उसनू हिला ना सकिया, क्योंकि ओ घर पत्थर उत्ते रखी नी ते मजबूत बनिया होया सी। पर ओ जो सुनदा है अते उन्हां दी पालना नहीं करदा, ओ उस मनुख वर्गा है जिसने बिना नींह दे जमीन उत्ते घर बनाया। उस दे नाल जदों हड़ दा पानी जोर नाल टकराया तां ओ तुरंत ही ठट गया अते उस दे घर दी बर्बादी भयंकर सी।